बार माँ पार्वती स्नान गृह में जाने से पहले नंदी को द्वार पे पहरे पर बैठा कर बोली, नंदी मैं नहाने अपने महल जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा ना दूं, किसी को भी महल के अंदर आने नहीं देना। जो आज्ञा माता। नंदी पहरेदारी कर रहा है शिव जी का प्रवेश। जय हो भोलेनाथ। रास्ते से हटो, अंदर जाने दो। क्षमा करें प्रभु, माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दे। अरे मूर्ख, ये आदेश औरों के लिए है, मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ। हरे हरे। शिव जी अंदर जाते हैं। प्रिये, आप अंदर कैसे आ गए प्रभु? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिये, वो मेरा दास है, उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके। पर मैंने उसे पहले पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, वो मुझे कैसे रोक पाएगा? आपका कहना सही है प्रभु, पर नंदी का इस तरह मेरी बात न मानना मेरा अपमान है। नंदी ने ठीक नहीं किया, पर वो भी क्या करता, स्वामी भक्त जो है अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं होगी। शिव जी चले जाते हैं। मुझे एक ऐसा बालक बनाना चाहिए जो साहसी हो, बुद्धिमान हो, मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा बालक बनाऊंगी। पार्वती माँ अपने शरीर पर लगे उत्तन से बालक बनाती है और उसमें प्राण देती है।